Hello friends, welcome to my YouTube channel Arvind Negi Biology Classes and we are discussing reproduction in organism जो class 12 का पहला chapter है और पिछले lecture में हमने काफी कुछ इसमें discussion कर लिया था. Basically हमने pre-fertilization जो stage होती हैं उस पर discuss किया था, ठीक है. और आज जो हमारा topic रहेगा वो रहेगा fertilization stage पे. हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे बेसिकली इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं. उन इवेंट्स में तीन प्रकार के इवेंट्स की हमने बात की थी, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है. तो आज हम जो बेसिकली डिस्कशन जो हमारा होगा वो फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज दोनों पे ही क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे. और आज संभव तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्या होगा, ये लेक्चर होगा. तो बात करते हैं चलो फर्टिलाइजेशन पे. तो फर्टिलाइजेशन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमेट्स बनने का कोई भी क्या नहीं है, औचित्य नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना, माने फॉर्मेशन ऑफ जायगोट के लिए, ठीक है ना. अब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है. जो आपका मेल गैमेट बना था, कल हमने काफी डिस्कशन भी करा था मेल गैमेट पे, है ना, कि मेल गैमेट आइसोगैमेट भी होते हैं, हेटरोगैमेट्स भी होते हैं, ठीक है ना. तो हमने काफी कुछ इसमें डिस्कशन कर लिया था कि इस प्रकार से गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, कौन सा डिविजन उसमें होता है, ठीक है. तो काफी कुछ हमने इसमें डिस्कशन कर लिया था. जिन बच्चों ने ये लेक्चर अभी देखा नहीं है तो वो अपना हमारा पिछला वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये पूरी की पूरी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर समझ में आ जाएंगे, ठीक है. तो ये आपका मेल गैमेट है, ठीक है. और जो फीमेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, जब ये दोनों क्या होंगे बेटा, जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका जायगोट बनेगा और यही आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है. दिस इज द फर्टिलाइजेशन. जब आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है. इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है बेटा, आपका सिनगैमी, ठीक है ना. इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है ना. अब एक बात ध्यान रखना कि बायोलॉजी में कहीं भी अगर सिन वर्ड आ गया, है ना, अगर बायोलॉजी में कहीं भी अगर ये वर्ड आता है, सिन वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है प्लस, जुड़ना, ठीक है ना, ज्वाइन होना, ठीक है ना. और गैमी मतलब गैमेट्स, ठीक है ना. तो सिनगैमी मतलब क्या है आपका, गैमेट्स का जुड़ना, ठीक है. और गैमेट्स क्या है आपके, फीमेल और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट्स आपके जुड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोले आपका, इसी को हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं. तो या तो आप लोग फर्टिलाइजेशन बोलिए या आप लोग सिनगैमी बोलिए, ठीक है. तो इसी को आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं. एनसीईआरटी में भी यही लिखा गया है कि दोनों को एक शब्द बोल सकते हैं. लेकिन एज अ बायोलॉजिस्ट अगर हम सोचें तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता बेटा. देखिए सिनगैमी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मैंने कि ये द प्रोसेस व्हेन द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूजिंग. जब आपका मेल और फीमेल गैमेट्स क्या फ्यूज हो रहे हैं, When they will fuse, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी. और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है ना. लेकिन एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि भाई हम सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हैं, तो आप लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है. लेकिन एज अ बायोलॉजिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. अब बात करेंगे कि वट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, अगर सिनगैमी नहीं होगा, ठीक है भाई. आपका मेल गैमेट बन गया, ठीक है, मेल गैमेट बन गया आपका, ठीक है, मेल गैमेट बन गया. और आपका यहाँ पे फीमेल गैमेट भी क्या हो गया आपका, बन गया. ये फीमेल गैमेट भी क्या हो गया, बन गए. अब क्या होगा अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिनगैमी अगर नहीं होता है, तो व्हाट विल बी हैपन, है ना. अभी हमने बात की बेटा कि जायगोट के फॉर्मेशन के जो फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. अगर आपका जायगोट फॉर्मेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. तो बेटा ऐसा क्या ऐसी चीज होती है कि जो अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर नहीं, सिनगैमी नहीं होगा उनमें, तो क्या होगा, ठीक है. तो एक बात आपको बता दूं, एक कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसा मेल गैमेट की हम बात करते हैं, ठीक है ना. जैसे या हम लोग मेल गैमेट में ह्यूमन की बात कर लेते हैं, जो स्पर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है ना. तो उसमें हम लोगों को पता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म की मात्रा होती है, ये साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं होती है या ना के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा होती है, ठीक है ना. जबकि जो फीमेल गैमेट होता है ये थोड़ा सा बड़ी होती है ओवा, ठीक है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सेल में जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा क्या मात्रा में क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, मौजूद होता है, ठीक है ना.
तो बेसिकली अगर आप लोग देखें तो मेल गैमेट जो होते हैं बेटा, मेल गैमेट अगर मान लिया जाए उनको फीमेल गैमेट नहीं मिलता है तो वो एक प्रकार से इनएक्टिव हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, ठीक ना, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, फीमेल गैमेट में बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या बन सकता है, वो एक नया ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। अरे बात समझ में थोड़ा सा लग रहा है ना, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। यस, तो अगर आपको पार्थिनोजेनेसिस आपने सुना होगा कहीं पे, ठीक ना, एक वर्ड आता है यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस, ठीक ना, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक ना। अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, आपने देखो हनी बी देख रहे क्या सबने, ठीक है, तो हनी बी में अगर हम लोग हनी बी की कॉलोनी को देखें तो हनी बी की कॉलोनी में क्या मिलेगा आपको, एक तो क्वीन मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना, जो एक एक होती है केवल, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वीन के बाद क्या मिलेगी, वर्कर मिलते हैं आपको, ठीक है ना, जो बहुत मात्रा में होते हैं। और एक आपको क्या मिलते हैं बेटा, ड्रोन मिलते हैं, ठीक ना। अगर आप दो देखें तो क्वीन इज फीमेल, क्वीन क्या होती है आपकी, फीमेल होती है। वर्कर भी आपके क्या होते हैं बेटा, फीमेल होते हैं। लेकिन जो आपके ड्रोन होते हैं, ड्रोन आपके क्या होते हैं, मेल होते हैं। अरे बस में जो आपकी क्वीन होती फीमेल होती है, वर्कर आपके फीमेल होते हैं, ड्रोन आपके मेल होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, ये हैप्लॉइड होते हैं बेटा, डिप्लॉइड नहीं होते ड्रोन। जबकि आपकी क्वीन क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, और आपके वर्कर क्या होते हैं, आपके डिप्लॉइड होते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि मान लिया जाए अगर क्वीन की जो क्या थी, एग थी, ठीक है, तो क्वीन की एग मतलब एन, ठीक ना, और जो ड्रोन आपके मेल होते हैं, तो ड्रोन का अगर माने जाए जो स्पर्म है, ठीक है ना, वो आया, दोनों ने अपने को फ्यूज किया, क्या बनेंगे, टू एन बनेगा। यानी कि जो टू एन बनेगा, जायगोट बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगी, वर्कर बनेगी, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, फीमेल होगा, वर्कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता ही है, ठीक है ना, आपके क्वीन में कुछ जो आपके एग होते हैं, ठीक है, वो हैप्लॉइड कंडीशन होंगे, वे एग जो, ये एग जो होते हैं बिना फर्टिलाइज किए हुए, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं आपके, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके ड्रोन में कन्वर्ट हो गए। जब ये ड्रोन में कन्वर्ट हो गए तो इनमें सिनगैमी हुआ, नो नहीं हुआ। सिनगैमी होगा तो क्या ये डिप्लॉइड बनेगा, नो नहीं बनेगा। इसका मतलब जो ड्रोन है आपका, ये क्या रहेगा, आपका हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहेगा। तो पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जब आपका फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कभी फीमेल गैमेट विदाउट में डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीधे का सीधा आपका ऑर्गेनिज्म माने जो बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक ना। अब एक बात ध्यान रखना कि केवल हनी बी में ही ये प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक ना, रोटिफेड्स, ठीक ना, आपके रोटिफेड्स हैं आपके, है ना, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिजार्ड, छिपकलियां अगला आप लोग देख लें, ठीक है, लिजार्ड में भी ये प्रोसेस होती है। एक बर्ड होती है बेटा टर्की, TURKEY, ठीक है ना, टर्की एक बर्ड है, ये टर्की, इनमें भी क्या होता है बेटा, पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग हनी बी, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग वही जरूर करना है बेटा कि पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अनफर्टिलाइज एग है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। किस किस में देखने को मिलता है, हनी बी में देखने को मिलता है, रोटिफर्स में देखने को मिलता है, लिजार्ड में देखने को मिलता है, और टर्की एक बर्ड है, इसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लियरिफाई हो गया आपको कि क्या पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब देखिए यहां से ये निकल के आता बेटा सामने कि जो आपका जीवन है वो जीवन कैसे भी क्या हो सकता है, अपनी जीवन किसी भी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन तब भी क्या बना, आपका ड्रोन बन गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस बायोलॉजी में आपको कई बार देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें है बेटा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा ये कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब कब होगा बेटा, जब आपका जो मेल गैमेट है, ठीक है, और जो आपका फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन कहां होगा बेटा, आउटसाइड होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आपको बखूबी पता है कि फ्रॉग देखा है आप लोगों ने, है ना, इसके साथ साथ फिश, ठीक है ना, ठीक है, इसके साथ साथ आपका एल्गी, कुछ एल्गीज,
ठीक है, इसके साथ साथ आपके कुछ क्या होते हैं बेटा, हाँ यस, एल्गी हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है ना, और फिश हो गई, इनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो आउटसाइड क्या होंगे आपके डेवलपमेंट, आउटसाइड द एनवायरमेंट क्या होंगे, इनका फ्यूजन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो इनसाइड द फीमेल होगा, ठीक है ना, कहाँ होगा बेटा आपका फीमेल के अंदर, यानी कि इन फीमेल इनसाइड, ठीक है ना, इसके इनसाइड क्या होगा आपका मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे इनके मिलेंगे, ठीक है ना, या फ्यूजन यहाँ अंदर होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लो अगर आप लोग तो ब्रायोफाइट्स इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म इसके एग्जांपल है, ठीक है, इसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म इसके एग्जांपल है, ठीक है, इसके साथ साथ ह्यूमन बींग अगर बात करें तो ह्यूमन बींग भी क्या है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ईजी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहा होगा इनसाइड द फीमेल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसमें था, ये आपका फर्टिलाइजेशन में ये है, तो समझ आई ये बात, ओके। अब हम बात करेंगे इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे हम बात करेंगे। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जायगोट का डेवलपमेंट कहां होगा, वेरी गुड, आपका कहां होगा इनसाइड ही होगा, वो बाहर नहीं होगा, ठीक है। बाहर कैसे होगा डेवलपमेंट भाई, आपका जो फ्यूजन है, जो जायगोट है, जब इनसाइड द फीमेल बन रहा है तो जायगोट का डेवलपमेंट भी कहां होगा, इनसाइड द फीमेल ही होगा, बाहर नहीं होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो क्या है, जो जायगोट का फॉर्मेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा या आउटसाइड द एनवायरमेंट होगा, जहां पे क्या हुआ आपका फ्यूजन हुआ। लेकिन एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जायगोट जो आपके इसमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं उनमें जो आपके मेल गैमेट बनते हैं, जो फीमेल गैमेट बनेंगे आपके, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में इसलिए बनते हैं बेटा क्योंकि हो सकता है कि कोई जो अगर मान लीजिए फ्रॉग ने अपने अंडे दे दिए कहाँ आपके तालाब में, ठीक है, तो हो सकता है कुछ फिश क्या कर दे उसको अटैक कर ले या कुछ ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर ले अटैक कर ले, तो बहुत ज्यादा संख्या में क्या बनते हैं आपके ये जो फ्रॉग है उनके क्या बनते हैं आपके जो एग है या जो स्पर्म है वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जब इन्वायरमेंट में स्ट्रगल होगा तो ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा उनको, अपनी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, ओके। अब जब जायगोट का आपका क्या हो रहा है, जायगोट का बन गया, ठीक है ना, अब जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो अंदर जायगोट डेवलपमेंट होगा, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका क्या होगा आउटसाइड ही क्या होगा जायगोट का डेवलपमेंट होगा। अब जायगोट के बाद क्या होगा ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आफ्टर जायगोट, ठीक है, अगर हम देखें आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन के बाद, आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड करेगा, ये ऑर्गेनिज्म पे ऐसे डिपेंड करेगा बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं फंगस की, फंगाई की बात करेंगे या हम एल्गी की बात करते हैं, तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही जायगोट का बन गया, जैसे ही जायगोट बन गया तो वो एक थिक वॉल उस जायगोट के बाहर से बन जाएगा, ठीक है, जैसे जायगोट बन गया ना तो जायगोट के बाहर से क्या बन जाएगी एक थिक वॉल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसके इसके बाहर से इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और ये किस फेज में चला जाएगा, रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। ये रेस्ट पीरियड में क्यों गया बेटा, हो सकता है वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या ना हो, अच्छी ना हो, तो इन्वायरमेंटल जब कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा आपका जो फंगाई और जो एल्गी है ये जायगोट बना के एक थिक वॉल क्या कर देगा इसके बाहर से एक बना देगा जायगोट के बाहर से, और ये रेस्टिंग पीरियड में क्या हो जाएगा आपका चला जाएगा। मैंने इससे पहले एक बात भी की थी बेटा कि आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कब होगा बेटा, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो अपनी संख्या को ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब कंडीशन क्या होगी अनफेवरेबल होगी। तो यहाँ पे आप साफ पता चल रहा है आप लोगों को भाई जब फंगाई जो है इस पे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो आपकी एल्गीज होती है इसमें भी क्या होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है कि नहीं, दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा, जब क्या होगा इन्वायरमेंट क्या होगा इसका बहुत अच्छा होगा, अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी। और यहाँ पे जब आपका ये क्या बोला मैंने आपको, जब फंगाई जो आपका एल्गी था इसने जायगोट का फॉर्मेशन क्यों किया, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल चला था, इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं था उस टाइम पे, तो तुरंत उसने क्या कर लिया जायगोट के बाहर, जैसे ही जायगोट बना जायगोट के बाहर से थिक वॉल का स्ट्रक्चर बना दिया और रेस्ट पीरियड में चला गया। और जैसे ही अच्छी कंडीशन आएंगी ये एक प्रकार से क्या बना देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म को ये बना देगा, ठीक है ना। अब
जो दूसरे प्रकार के एनिमल होते हैं जैसे बेटा हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले एनिमल, ठीक है ना, एक क्या होते हैं आपके हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले क्या होते हैं एनिमल होते हैं, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा आपकी हैप्लॉइड होती है, एन होती है, उनको हम हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले एनिमल बोलते हैं। हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले एनिमल होते हैं, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले होते हैं, हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि जिनमें जो आपके प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है आपकी हैप्लॉइड होती है। अब इनमें क्या होगा, इनमें जैसे ही जायगोट फॉर्मेशन होगा, जैसे ही इनमें क्या बना आपका जायगोट बना, ठीक है, जरा ऊपर की तरफ बना लेता हूं उसको, ठीक है ना, ठीक है। जो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल की हम बात करें ना, तो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल में क्या बोला मैंने आपको, जैसे ही क्या होगा जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जायगोट की फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है ना, इसमें क्या होगा बेटा एक डिवीजन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं मियोसिस डिवीजन बोलेंगे, ठीक है ना। जबकि ह्यूमन बींग में देखेंगे तो ह्यूमन बींग में जायगोट के बाद माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन से वाले किसकी बात करें हम लोग, हम लोग बात करें हैप्लोइन हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले बात, ठीक है ना, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वालों की क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैप्लोंटिक की बात की हमने, तो जायगोट में क्या हुआ मियोसिस डिवीजन हुआ, जैसे ही जायगोट में मियोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएंगे बेटा हैप्लोइड स्पोर बना देगा, हैप्लोइड स्पोर का क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। यानी कि जैसे ही जायगोट बना तो जायगोट ने क्या बना मियोसिस डिवीजन हुआ और ये हैप्लोइड इसने क्या बना दे स्पोर बना दे, ठीक है ना। तो ये कहां पे हुआ, ये हुआ आपका हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल में, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा ना, जब एल्गी और फंजाई थे उन्होंने क्या किया रेस्ट पीरियड में चले गए, अगर ह्यूमन की बात की ह्यूमन बींग की बात करें तो रेस्टिंग पीरियड में क्यों जाएगा, उसका डायरेक्टली क्या बनता है आपका इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जो आपके हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल वाले उन्होंने मियोसिस डिवीजन करके इसको हैप्लोइड स्पोर बना दिया। तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम अगर बात करें किसकी ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे यहाँ क्या हुआ जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद क्या होगा आपका माइटोसिस डिवीजन होगा इसमें, ठीक है। मियोसिस डिवीजन तो हो ही नहीं सकता, जायगोट बनने के बाद तो लगातार माइटोसिस डिवीजन ही होगा, मियोसिस डिवीजन तभी होगा जब क्या होगा आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जायगोट क्या बना आपका माइटोसिस बना, माइटोसिस डिवीजन से क्या हुआ डायरेक्टली क्या हो गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब इम्ब्रियो का जैसी फॉर्मेशन होगा तो इम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद यहां पे सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। अब ये सेल डिफरेंशिएशन क्या हुआ देखो बेटा, जैसे मान लिया जाए ये जायगोट था सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जायगोट में डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस था इसके अंदर, डिवीजन हुआ तो बहुत सारे क्या बनेंगे आपके इसमें सेल्स बनेंगे, यहां अंदर ये सारी की सारी सेल्स क्या होगी आपकी इस प्रकार से ये सेल्स बनेंगी, ये सारी की सारी क्या बनेगी आपकी सेल्स बनेगी। अब होगा क्या, मान लिया जाए इस वाली सेल्स को काम मिल गया, काम क्या मिला इसको भाई आपने स्किन बनाना है। अब देखो ना पहले तो ये जायगोट था, लेकिन अब ये क्या है दिस इज द एम्ब्रियो, अब ये एम्ब्रियो है ये जायगोट नहीं रहा, जायगोट तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बॉडी होती है, यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब मान लिया जाए इस सेल्स को डिपार्टमेंट मिल गया इसको भाई कि तुम आपने क्या बनाना आपने स्किन बनाना है, तो इसी को हम सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, जहां पे सेल्स को काम मिल जाएगा भाई कि आपको अब क्या बनाना है स्किन बनाना है, इसको मिल गया भाई आपने क्या बनाना है इसका फेस बनाना है, इसको मिल गया आपने इसका हेड बनाना है, ठीक है। या इस सेल को अंदर मिल गया भाई आपने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। अब ऐसा कैसे होगा, ऐसा इसलिए होगा कि इसके अंदर जो आपका क्या होगा डीएनए होगा उसके अंदर क्या होगा लगातार डिवीजन होगा उसमें, तो वो क्या बना देगा हेड बना देगा, इसके अंदर डिवीजन होगा ये फेस बना देगा, इसके अंदर डिवीजन होगा ये स्किन बना देगा, है ना। तो इसको हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि जहां पे सेल्स को काम बांटा जाएगा तो सेल को डिफरेंट किया, डिफरेंशिएशन मतलब विभिन्नताएं, मतलब कि सेल को काम दिया जाएगा भाई तू आपने स्किन बनानी है, आपने हेड बनाना है, आपने ये बनाना है, आपने वो बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा, या फिटस वहां पे क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी कि इसमें जायगोट की बात क्या होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस आपकी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक आपने सुना होगा बेटा ओविपेरस और विविपेरस एनिमल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, ओविपेरस एनिमल और आपकी विविपेरस, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो आपके क्या क्या करते हैं बेटा जो एग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, जिनमें एग बनता है। और विविपेरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो
एग नहीं देते हैं, विदाउट एग वाले होते हैं, यानी कि डायरेक्टली क्या करेंगे, एक ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। अब इसमें आपके लगा लो बर्ड्स आ गए इसमें, ठीक ना, और प्रकार के एनिमल्स आ गए, है ना, और इसमें क्या आ गया, आपके ह्यूमन बींग आ गया, मेल आ गया, ठीक है ना, और आपके ये काउ डॉग जो भी हैं, ये सबके सब इसमें आ गया, आपके विविपेरस एनिमल्स में आ गए, ठीक है। तो ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसमें हमने काफी कुछ डिस्कशन किया कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हमने काफी कुछ क्या किया, हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ही पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी आपके अगर क्वेरीज हैं कुछ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग की भाई कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आगे जो चैप्टर है उसमें जो भी चीजें होंगी हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे होम एंड बाय।